हेलो दोस्तों, वरुण बोल रहा हूँ टेक टॉक से। और अगर आपके पास अभी 15,000 रुपए हैं और अगर आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो इस समय एट दिस मोमेंट कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा है, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं बस एक स्मार्टफोन का नाम बताऊँगा, 4-5 का नहीं बताऊँगा, जो कि 15,000 के अंदर सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन है Redmi का Note 8 Pro, जो अभी तक का सबसे अच्छा स्मार्टफोन है, जो कि 15,000 रुपए से कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध है। इससे अच्छा स्मार्टफोन फिलहाल बाजार में नहीं है और ये स्मार्टफोन आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सबसे बड़ी बात है कि इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर वाला कैमरा मिलेगा और ये जो कैमरा है रियर कैमरा, ये क्वाड कैमरा है। 4 कैमरे इसमें लगे हुए हैं, 4 लेंस लगे हुए हैं। प्राइमरी सेंसर इसमें जो है वो 64 मेगापिक्सल का है। सेकेंडरी सेंसर इसका जो है 8 मेगापिक्सल का है, जिसमें Xiaomi ने लगाया है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। और 2 जो सेंसर लगे हुए हैं 2-2 मेगापिक्सल का, एक तो उसमें है डेप्थ सेंसर और एक है डेडिकेटेड माइक्रो शॉट लेने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको 15,000 रुपए से कम कीमत पे अभी फिलहाल कोई कंपनी नहीं दे रही है। बैटरी भी इसकी बहुत अच्छी है, 4,500 mAh की बैटरी है और ये चार्ज होगी 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसकी टक्कर का एक स्मार्टफोन है जो कि है Realme XT, वो भी इतना अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप AnTuTu स्कोर को देखिएगा तो ये स्मार्टफोन यानी Redmi Note 8 Pro कहीं ज़्यादा स्कोर करता है Realme XT से। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो सेल्फी कैमरा है 20 मेगापिक्सल का है और ये जो कैमरा है सेल्फी कैमरा, ये AI सेल्फी कैमरा है। और इसकी सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसमें फेस अनलॉक भी आता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें लगा हुआ है। फेस अनलॉक फीचर है, फिंगरप्रिंट सेंसर रियर साइड में लगा हुआ है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें नहीं है। ये स्मार्टफोन डुअल सिम सपोर्ट करेगा और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट इसमें दिया गया है। साथ ही एक और बात बता दूं कि इसका जो डिस्प्ले है वो गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड रहेगा और इसका डिस्प्ले साइज जो है 6.53 इंचेस का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। आप इसमें मूवी अच्छी तरह देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। और इसका जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का Helio 90T, जो कि काफ़ी तेज प्रोसेसर है। 15,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो इस स्मार्टफोन को छोड़कर अभी आप कोई और स्मार्टफोन लेने की सोचिए मत, क्योंकि ये हार्डवेयर जो है आपको जो 15,000 रुपये से कम कीमत पर मिल रहा है वो कोई और कंपनी अभी दे नहीं पाएगी, नहीं दे रही है। और इसका जो वेरिएंट मिलेगा 15,000 रुपये से कम कीमत पे, उसमें जो रैम है वो 6 GB है और इंटरनल स्टोरेज जो है 64 GB का है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपको देते रहेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।